दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मून नाइट मूवी के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले इसके 5 एपिसोड के एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमित के मकबरे से, जहां हम देखते हैं आर्थर के लोग मार्क को पानी से बाहर निकालता है। उसके बाद उसके पॉकेट से अमित के मूर्ति को निकालता है। उसके बाद वो मूर्ति आर्थर को दे देता है। फिर आर्थर मार्क से कहता है, आई एम सॉरी मार्क, तुमने मुझे ये करने पे मजबूर किया। उसके बाद आर्थर स्कारप को मार्क के बॉडी के ऊपर रख देता है। और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था, लैला एक दीवार के पीछे से देखती है। तभी आर्थर उस मूर्ति को अपने लोगों को दिखाता है और कहता है, कौन दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। तभी वो सभी लोग उस मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। और उसी वक्त आर्थर के छड़ी का ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो छड़ी और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद आर्थर अपने लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। फिर लैला मार्क के डेड बॉडी के पास आती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो मार्क के बॉडी में रखे स्कैरब को उठाती है, तो स्कैरब लैला को रास्ता दिखाता है। फिर हम कुछ गाड़ियां देखते हैं जो कि एक चेक पोस्ट में आकर रुकती है, और वहां कुछ पुलिस ऑफिसर होते हैं, और इसी गाड़ी में आर्थर होता है। और वो पुलिस ऑफिसर आर्थर से पासपोर्ट मांगने लगता है। तभी आर्थर कहता है, मैं पासपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, पर तुम सभी मुझे अपना रूह दिखाओगे। फिर आर्थर उस छड़ी के शक्तियों के मदद से इन पुलिस वालों की रूह उनके बॉडी से अलग कर देता है। पर वहाँ एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जिसका रूह बॉडी से अलग नहीं होता है। तभी आर्थर कहता है, ये एक बड़ा नेक इंसान है। फिर आर्थर के लोग उस पुलिस वाले को छोड़ देते हैं, और इनके गाड़ी पे लैला भी होती है। लैला ये सब होते हुए देखती है। फिर लैला गाड़ी से उतरकर आर्थर को मारने के लिए जाती है, और लैला के हाथ में एक चाकू होता है। उसी वक्त वहाँ एक पुलिस वाले के बॉडी में डेविड टॉयरेट आ जाती है। वो लैला को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है, मैं डेविड टॉयरेट हूँ और तुम इसे मत मारो, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और मुझे मार्क ने तुम्हें रोकने के लिए कहा है। लैला कहती है, इसका क्या मतलब, मार्क तो मर गया। तभी डेविड टॉयरेट कहती है, मैं भी अभी मरे लोगों के जरिए ही तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम अकेले हैरो को नहीं रोक पाओगे, और अगर मार्क फिर से जिंदा हो गया तो उसे खोंगशू की जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हें देवताओं के कक्ष में मिलेगा। फिर डेविड टॉयरेट कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, मार्क कह रहा था, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था, और तुम मेरी अवतार बन जाओ। लैला कहती है, नहीं, मैं आर्थर से खुद लिपट लूंगी। उसके बाद आर्थर और उसके लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और इनके कार में बैठ के लैला भी इनके साथ ही चली जाती है। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं गीजा का पिरामिड, जहाँ आर्थर अपने छड़ी की शक्तियों से देवताओं के कक्ष के द्वार को खोल देता है। दूसरी तरफ देवताओं के कक्ष में एनियट गॉड के अवतार भी होते हैं, उनमें से हैथोर की अवतार कहती है, कोई आ रहा है अमित को रिहा करने। उनमें से एक अवतार कहता है, कौन आ रहा है? तभी ओसायरस कहते हैं, आर्थर हैरो। तभी आर्थर अपने आदमियों के साथ पिरामिड के अंदर आ जाता है और कहता है, देखो देवताओं ने हमसे क्या क्या छुपाया है। इनके साथ लैला भी होती है। तभी एनियट गॉड के अवतार आर्थर को रोकने के लिए जाते हैं। फिर आर्थर कहता है, तुम अवतार हो, भगवान नहीं, और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आर्थर के पास अमित का शक्तिशाली छड़ी होता है। आर्थर उस छड़ी के जरिए इन सभी को मार देता है। तभी हम लैला को देखते हैं जो कि चुपके से इनके बीच से निकल के देवताओं के कक्ष में चला जाता है, और वहां जाकर खोंगशू का मूर्ति ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ आर्थर अमित के मूर्ति को नीचे गिराकर तोड़ देता है, जिससे अमित आज़ाद हो जाती है। और उसके बाद सारे लोग अमित के सामने झुक जाते हैं। फिर अमित कहती है, मुझे आज़ाद करने के लिए मैं किसका शुक्रिया अदा करूँ? फिर आर्थर कहता है, शुक्रिया अदा करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। उसके बाद देवी अमित कहती है, तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है। तो आर्थर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सोचा था मैं रोज कांच पर चलूंगा तो मेरे पाप कम हो जाएंगे। फिर देवी अमित कहती है, ये तराजू तुम्हारे अतीत के लिए नहीं, तुम्हारे आने वाले कल के लिए डगमगा रहा है। फिर आर्थर कहता है, तो मेरे जैसे पापी से दुनिया को बचा लीजिए। फिर अमित कहती है, आने वाले कल में तुम मेरी खिदमत करोगे। फिर आर्थर कहता है, मरने के बाद मैं कैसे कर सकूंगा? फिर देवी अमित कहती है, तुम्हारी मौत टाल दी, मैंने एक बार एक ऐसे खादिम पे विश्वास किया था जो कि तराजू के
मुताबिक बड़ा नेक था, पर उसने मुझे 2000 साल के लिए कैद करवा दिया। दूसरे तरफ हम लैला को देखते हैं। लैला को खोंगशु का मूर्ति मिल जाता है। वो उस मूर्ति को नीचे रखकर पैर से तोड़ देता है, जिससे खोंगशु आज़ाद हो जाता है। फिर खोंगशु लैला से कहता है, मुझे मार्क की मौजूदगी इस दुनिया में महसूस नहीं हो रही है, लगता है वो शहीद हो गया। तभी लैला कहती है, वो तुम्हारे वजह से मर गया है, तुम्हारी जंग लड़ते लड़ते। फिर खोंगशु कहता है, मार्क के गैर मौजूदगी में मुझे एक अवतार का ज़रूरत है। लैला अल-फौली, क्या तुम बनोगी मेरा अवतार? तभी लैला कहती है, मुझे तुम्हारा अवतार नहीं बनना है, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास नहीं करती और मार्क भी नहीं करता था। खोंगशु कहता है, तुम अकेले अमित को और आर्थर को नहीं रोक पाओगी, तुम्हारी भला इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। फिर लैला कहती है, हम आर्थर और अमित को रोकेंगे साथ मिलकर, पर मैं तुम्हारा गुलामी नहीं करूँगी। फिर खोंगशु कहता है, अमित को फिर से कैद करना पड़ेगा, सिर्फ एक अवतार ही ऐसा कर सकता है। फिर खोंगशु वहाँ से गायब हो जाता है। उससे तब हम देखते हैं अमित और आर्थर के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अमित कहती है, पहले कायरो से शुरू करेंगे, उसके बाद पूरे दुनिया में। तभी यहाँ खोंगशु आ जाता है। फिर अमित खोंगशु से कहता है, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सितम किए। खोंगशु कहता है, बेशक, पर मैं तुम्हें कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। तभी आर्थर अपने लोगों से कहता है, कोई यहाँ जरूर घुसा है जिसने इसको आज़ाद किया, पता लगाओ। उसके बाद सीन कट होता, हम देखते हैं मार्क को देवताओं के दुनिया में, जहाँ वो अब सुकून के मैदान में है और उसके साथ देवी टॉरेट भी है। टॉरेट कहती है, दिल का बोझ हट गया, तुम्हारा सफर अब पूरा हो गया है। मार्क टॉरेट से स्टीवन के बारे में पूछता है, वो कहता है, स्टीवन कहाँ है? तभी देवी टॉरेट कहती है, उसका ठिकाना अब ड्वार्ट है। मार्क कहता है, मुझे उसे बचाना होगा, मैं हमेशा से सुकून के मैदान में रहूंगा और वो रेत में जमा हुआ रहेगा। फिर मार्क सुकून के मैदान से ड्वार्ट में आ जाता है। फिर वो स्टीवन के पास जाता है। मार्क कहता है, जब हम छोटे थे तब तुम मेरे जिंदगी में आया और तुमने मुझे बचाया, मुझे साहस दिया, इसीलिए मैं जी सका, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब मैं सुकून के मैदान में था तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सुपर हीरो हो। फिर मार्क भी रेत में जमने लगता है। मार्क का हाथ में एक दिल होता है, जो वो स्टीवन के हाथ में रख देता है। फिर इंसानी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। ये लोग दोनों मूर्ति से इंसान में बदल जाते हैं। फिर ये लोग दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर स्टीवन कहता है, तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा रेत का सुनामी आ जाता है। उसी वक्त वहाँ देवी टॉरेट अपना नाव लेके आ जाती है। फिर टॉरेट कहती है, ओसायरस तुम दोनों से बहुत ज्यादा खुश हुआ है, जल्दी जाओ यहाँ से। फिर सीन कट होता, हमें दूसरे तरफ पिरामिड में दिखाया जाता है, जहाँ अमित खोंगशु से कहता है, देवता होके भी तुम्हारे अंदर आस्था की कमी है। खोंगशु अमित से कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगी। फिर अमित और खोंगशु के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर अमित बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण खोंगशु को काबू कर लेता है। फिर अमित खोंगशु से कहती है, रहम का भीख मांग लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। खोंगशु अमित से कहता है, उससे अच्छा तुम मुझे मार डालो। दूसरे तरफ स्टीवन और मार्क उस द्वार के पास पहुंच जाता है, जिससे मार्क जिंदा हो जाता है। तभी खोंगशु कहता है, मार्क, और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हम मार्क को अमित के मकबरे में देखते हैं, जहां मार्क पानी के अंदर से बाहर आता है। फिर उसके बॉडी में दो गोलियां लगी थी, वो बाहर निकल जाता है और उसके बॉडी में मून नाइट का लिबास आ जाता है। फिर मार्क कहता है, अब मेरी बारी। फिर हम मार्क को एक रेगिस्तान में देखते हैं, जहाँ खोंगशु भी होता है। खोंगशु मार्क से कहता है, तुम मेरे बिना नहीं रह पाए। मार्क कहता है, लैला ने तुम्हें मना कर दिया। खोंगशु कहता है, अमित आज़ाद हो गई, अब वो पूरे दुनिया में तबाही मचाएगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसी वक्त मार्क के बॉडी में स्टीवन आ जाता है। तभी स्टीवन कहता है, हमारे ये काम का हिसाब कौन रखेगा? तभी खोंगशु कहता है, स्टीवन, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। स्टीवन कहता है, मुझे पता है, मैं और मार्क एक का साथ एक फ्री ऑफर में आते हैं, जो आपको झेलना पड़ेगा, और हमने आपकी जान भी बचाई है। चलिए ये सब छोड़िए, आप मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, तुम इस समय सौदेबाजी करोगे जब पूरी दुनिया खतरे में है? स्टीवन कहता है, हाँ, मैंने तो ये आप ही से सीखा है। खोंगशु कहता है, जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा।
फिर स्टीवन कहता है ठीक है तब हम अब कायरो किस तरह जाएंगे। खांगसु कहता है क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ, मैं अब भी रात का देवता हूँ। तभी मार्क स्टीवन के बॉडी में आ जाता है। फिर मार्क मून नाइट बनकर वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। उसके बाद हम पिरामिड में देखते हैं जहाँ ओसायरस के अवतार को लैला बचा रहा होता है। ओसायरस का अवतार लैला से कहता है क्या तुमने खांगसु को आजाद किया। लैला कहता है हाँ। फिर लैला ओसायरस के अवतार से पूछती है अमित को कैसे रोके। फिर ओसायरस का अवतार लैला से कहता है उसे उसी के अवतार के बॉडी में कैद करना होगा। तभी वो ओसायरस का अवतार मर जाता है। तभी लैला टॉयलेट को याद करती है। वो कहती है टॉयलेट तुम क्या हो यहाँ। तभी टॉयलेट उस ओसायरस के अवतार के बॉडी में आ जाता है। वो कहता है लैला। तभी ये बात बाहर से आर्थर सुन लेता है। फिर आर्थर अपने छड़ी के एनर्जी ब्लास्ट से वहाँ के दीवारों को गिरा देता है। फिर आर्थर वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी टॉयलेट लैला से कहती है मुझे खुशी होगा तुम्हें अपना अवतार बनाकर, और ये बात तुम्हारे पापा जानकर बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें मैंने ही सुकून के मैदान में छोड़ा था और मैंने तुम्हारे लिए एक सूट भी सोच के रखा है। दूसरे तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि पिरामिड के ऊपर चढ़कर आमिर के भक्तों को ये संदेश देता है कि वो लोगों को परखना शुरू करे। फिर आमिर के भक्त वहाँ के लोगों को परखना शुरू करते हैं जिससे कि वहाँ के लोगों का रूह उनके बॉडी से अलग हो जाता है और वो सारी रूहें अमित निकल लेती है जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लैला को देखते हैं जो कि दीवारों को तोड़ती हुई बाहर आती है। और लैला देवी टॉयलेट की दी हुई सूट को पहनी हुई होती है और उसके पास देवी टॉयलेट की शक्तियाँ भी होती है। और फिर वहाँ मार्क उड़ते हुए आ जाता है और आर्थर पर हमला कर देता है और ये लोग दोनों पास के एक बाजार में जाके गिरते हैं और वहाँ के लोग इन दोनों को देखकर डर जाते हैं। और दूसरी तरफ खांगसु भी अमित के ऊपर हमला कर देता है। फिर अमित खांगसु से कहता है हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं जबकि हम दोनों का मकसद एक है, हम दोनों ही बुराइयों को मिटाना चाहते हैं। खांगसु कहता है नहीं हम दोनों में अंतर है, मैं सिर्फ जुर्म करने वालों को सजा देता हूँ। फिर अमित कहती है और मैं जुर्म करने से पहले ही सजा दे देती हूँ। फिर अमित खांगसु को गिरा देता है और फिर खांगसु से कहता है अब तुम मेरी साथ दो, तुम्हें पता है तुम नहीं जीत पाओगे तो लड़ क्यों रहे हो। तभी खांगसु कहता है ये मेरी मर्जी और तुम लोगों से उसका मर्जी नहीं छीन सकते। और दूसरे तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो कि अपने छड़ी की एनर्जी से मार्क को मारने वाला होता है। तभी वहाँ लैला उड़ते हुए आ जाती है और आर्थर को एक किक मारती है। आर्थर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। फिर आर्थर उस छड़ी की मदद से एनर्जी बीम के जरिए इन दोनों के ऊपर हमला करता है। फिर लैला अपने शील्ड के जरिए उस बीम को आर्थर के तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे वो बीम आर्थर को ही लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर मार्क लैला को देखकर बहुत खुश होता है। लैला मार्क से कहता है तुम तो मर गए थे फिर कैसे जिंदा हो गए। फिर मार्क कहता है शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी मार्क के बॉडी में स्टीवन आ जाता है। वो लैला से कहता है मैंने कुछ नए पैंतरे सीखे हैं जो मुझे तुम्हें दिखाने हैं। तब लैला कहती है तो देर किस बात का, चलो शुरू हो जाओ। फिर ये लोग दोनों मिलके आर्थर और उसके लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते लैला और मार्क आर्थर को रोक रहे होते हैं। फिर वहाँ के कुछ लोग डर कर यहाँ से भाग रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग कार पे चढ़ने जाते हैं तभी आर्थर अपने छड़ी के मदद से उनके ऊपर एनर्जी बीम से हमला कर देता है। फिर लैला जाकर उन लोगों को बचा लेती है। उसके बाद आर्थर मार्क के ऊपर हावी हो जाता है। वो अपने एनर्जी बीम से मार्क के ऊपर हमला कर देता है और कहता है अगर अमित का चलने देते तो तुम्हारा भाई रैंडल अभी जिंदा होता। और इसी एनर्जी बीम के ब्लास्ट से मार्क का एक क्रिसेंट डार्ट लैला के पंख में जाकर लगता है और लैला कार के पास खड़ा था और लैला वहीं फंस जाती है। उसके बाद आर्थर एक जोर का एनर्जी ब्लास्ट से मार्क के ऊपर हमला करता है जिससे मार्क नीचे गिर जाता है। उसके बाद आर्थर अपने उस छड़ी से मार्क के रूह को आजाद करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं मार्क फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और जब आंखें खुलती है हम देखते हैं कि मार्क के हाथ में आर्थर का छड़ी होता है और आर्थर नीचे पड़ा हुआ होता है। मार्क उस छड़ी से आर्थर को ही बेहोश कर देता है। आर्थर की पूरी बॉडी काली हो जाती है। आर्थर के सारे लोग वहाँ मरे पड़े हुए होते हैं। तभी लैला कहती है ये तुमने क्या किया। तभी मार्क स्टीवन से पूछता है स्टीवन क्या यह तुमने किया। स्टीवन कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं किया। मार्क कहता है मैंने भी नहीं किया और मुझे कुछ याद भी नहीं है। दरअसल ये जैक लॉकली होता है जो कि कभी कभी या तो एक्सट्रीम सिचुएशन में ही बाहर आता है जब मार्क और स्टीवन दोनों प्रॉब्लम में हो। लैला कहती है अमित को किस तरह रोकना है मुझे पता है, तुम आर्थर को पिरामिड के अंदर में लेके आओ। तभी मार्क आर्थर को पिरामिड के अंदर लेके आता है
उसके बाद लैला और मार्क मिलकर मंतो को पढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ हम अमित और खोंगसू को देखते हैं। अमित खोंगसू से कहता है हम इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। तभी खोंगसू कहता है अब तुम्हारा टाइम आ गया है, जिसके बाद अमित आर्थर के बॉडी में कैद हो जाता है। फिर अमित कहती है मैं फिर से वापस लौटूंगा, तुम लोग मुझे कैद नहीं कर सकते। फिर खोंगसू कहता है अब इसे मार डालो, मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। फिर लैला मार्क से कहता है मार्क तुम अभी भी आजाद हो। फिर मार्क आर्थर को नहीं मारता, मार्क खोंगसू से कहता तुम ही मार लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे तुम आजाद करो। फिर खोंगसू मार्क को आजाद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम मार्क को उसी असाइलम में देखते हैं जहाँ आर्थर भी होता है। मार्क आर्थर से कहता है क्या तुम खोंगसू और अमित पे मानते हो? तभी आर्थर कहता है नहीं मैं नहीं मानता। फिर मार्क कहता अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो? आर्थर कहता है तुम्हारी इलाज जारी रखनी पड़ेगी। के बाद आर्थर वहां से उठकर अपने चेयर में जाने लगता है तो आर्थर के फुटप्रिंट में ब्लड का निशान दिखता है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है स्टीवन तुम क्या यह देख रहे हो? फिर स्टीवन कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ। फिर मार्क आर्थर से कहता है डॉक्टर साहब आपके पास उतना ज्ञान नहीं है जितना आपको लगता है, मगर हम दोनों को अभी दुनिया का इलाज करने के लिए जाना है। उसके बाद मार्क को हम उसके ही घर में देखते हैं, वो बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है स्टीवन तुम क्या हो यहाँ? स्टीवन कहता है हाँ मैं यही हूँ। उसके बाद मार्क अपने बिस्तर से नीचे उतरता है और वो गिर जाता है और हम देखते हैं उसका पैर अभी भी बंधा हुआ है, वो खुद को अभी भी बांध के ही सोता है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, पर इस एपिसोड में एक क्रेडिट सीन भी है जहाँ हम देखते हैं एक मेंटल असाइलम में आर्थर को, जहाँ एक आदमी उसे लेने के लिए आता है। आर्थर व्हील चेयर में होता है, फिर वो आदमी आर्थर को वहाँ से बाहर ले जाने लगता है और हम देखते हैं उस असाइलम की बहुत सारे लोगों को किसी ने मार दिया है। उसके बाद ये दोनों बाहर पहुँचते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, वो इंसान आर्थर को उस गाड़ी के अंदर डाल देता है जहाँ पहले से खोंगसू होता है। आर्थर खोंगसू को देखकर कहता है खोंगसू तुम हमें नहीं मार सकते, तुम जानते हो ना? खोंगसू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें एक बात पता है? मार्क को ये लगता था कि अगर मार्क ने मेरा साथ छोड़ा तो मैं उसकी पत्नी को अपना अवतार बना लूंगा, पर मुझे किसी और की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, जबकि मार्क को उसके दिमागी हालत के बारे में पता ही नहीं है। फिर खोंगसू विंडो के ग्लास को नॉक करता है और आर्थर से कहता है मिलो मेरे दोस्त जेक लॉकली से। तभी वो ड्राइवर केबिन का गेट ओपन हो जाता है। उसके बाद हम जेक लॉकली को देखते हैं, उसके हाथ में एक बंदूक होता है, वो उस बंदूक से आर्थर को गोली मार देता है। उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। यहाँ ये सीजन खत्म हो जाता है।